ये देखिए हमारी टेस्टी और डिलीशियस डिश तैयार है, बिल्कुल आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से, अंदर से और पीछे से भी अच्छी सी बेक हो चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याणी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज हम नान कटाई की रेसिपी देखेंगे, और वो भी व्हीट फ्लोर की नान कटाई। नॉर्मली नान कटाई मैदे से बनती है, बट आप थोड़ा सा हेल्दी बनाएंगे। और ये इसको हम कढ़ाई और माइक्रोवेव दोनों में बनाना सीखेंगे, बहुत ही आसान है। तो चलो शुरू करें। इलायची ली है फ्लेवर के लिए, ये मैंने बेकिंग पाउडर ली है, ये पिस्ता लिया है, ये सॉल्ट लिया है टेस्ट के लिए, ये हमारा व्हीट फ्लावर है, गेहूँ का आटा, ये शुगर, ये बेसन और ये घी। हम इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी ज़्यादा हेल्दी होती है, इसलिए मैंने घी ली है। अब एक बाउल में मैंने घी डाल दी है, और उसके ऊपर से मैंने ये पीसी चीनी ली है, वो हम थोड़ा सा छन्नी से छान लेंगे। ये हो चुका है, अभी इसको अच्छे से मिक्स करके बीट करना है। अभी तो विंटर का सीज़न है, तो घी बहुत ही जमी हुई थी, आप देख सकते हो थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा है, बट धीरे धीरे वो हो जाएगा। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने किया है, तो अच्छी सी क्रीमी बन चुकी है, और लाइट और फ्लफी भी हो गई है। अगर आपकी नहीं हो रही, बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है, तो आप 1 टेबल स्पून मिल्क भी ऐड कर सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए बिल्कुल फ्लफी और पूरे कलर चेंज हो गया है हमारा। तो ये रेडी हो चुका है। अब मैंने दूसरा बाउल लिया है इधर, और उसमें छन्नी रख दी है, उसमें मैंने 200 ग्राम व्हीट फ्लावर लिया है, गेहूं का आटा लिया है, और इस पर मैंने 50 ग्राम बेसन ऐड किया। मैंने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ये मैंने सॉल्ट डाला है टेस्ट के लिए, और ये बेकिंग पाउडर, अच्छे से छान लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है छानना, तो स्किप मत कीजिए। ये देखिए अभी ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा इलायची डाल रही हूँ, ये आपके ऊपर है, पसंद है तो डालिए, नहीं तो नहीं। अब जो हमारा चीनी का और घी का मिक्सचर था, वो धीरे धीरे से ऐड करना है, और इसको हाथ से ही अच्छा सा गूंदना है, और एक डो बना लेना है। ये देखिए ये थोड़ा ड्राई लगेगा, क्योंकि अभी विंटर सीजन है, तो घी बहुत ही जमी हुई सी होती है, हार्ड हो जाती है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा विंटर सीजन में। कोई बात नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, तो पहले 1 टीस्पून और इधर 1 टीस्पून दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बस ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अच्छा सा स्मूथ सा डो रेडी है हमारा। अभी हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो इसलिए मैंने एक कढ़ाई में सॉल्ट डाला है, और उस पर एक स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर हम एक डिश रख देंगे, और उसके ऊपर ये एक डिश जिस पर मैंने फॉइल लगा लिया है। तो अभी इसको प्रीहीट करने के लिए मैं रखते रही हूँ, इसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे। मैंने एक डिश पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा लिया है, ताकि आसानी हो, और हम ओवन में भी आज बनाएंगे, तो ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है, करने को रख दिया है, आप देख सकते हो। तो हमारा डो भी रेडी है, और दोनों सेटअप भी रेडी है, तो हम छोटी छोटी नान कटाई बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक टुकड़ा लिया है, और उसको अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अभी इसको आप कौन सा भी शेप में कर सकते हो। अभी सेम साइज़ के लिए इधर ये देखो, मैंने ऐसे कॉइन की तरह इसको पकड़ा है, ताकि सब ऐसे इसी शेप में आए, और यही साइज़ के हो, बहुत ही आसान है। जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा, बहुत ही इजी रेसिपी है, और टेस्टी भी होती है। ये देखिए मैंने एक और बना ली है, आप देख सकते हो।
इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। ये देखिए, क्योंकि इधर हम पिस्ता रखेंगे, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए, आपको नहीं पसंद तो आप नहीं रख सकते। अभी इस पर मैंने थोड़ा सा ब्रश कर लिया है दूध, ताकि ऊपर से अच्छे से कलर आए और ये जो पिस्ता हम उस पर रख रहे हैं वो अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, बहुत ही आसान है। ये देखिए, सब रेडी हो चुका है हमारा। अब माइक्रोवेव भी प्री हीट हो चुका है, तो ये भी रेडी कर लिया है मैंने। और हमारी कढ़ाई का जो सेटअप है, हमने दूसरा ओवन बनाया है घर का सिंपल सा, वो भी अच्छे से प्री हीट हो चुका है और ये भी रेडी हो चुका है। अभी सिर्फ बेक करना बाकी है, तो धीरे से मैं ये ढक्कन निकालूंगी। बहुत ही गर्म है, यह प्री हीट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी बेकिंग आप मतलब बिस्किट वगैरह बेक करते हो तो प्री हीट करना ज़रूरी होता है, ताकि और उसको क्रंचीनेस आता है। तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट और 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दूँगी। और इधर मैंने लो रैक पे रखा है माइक्रोवेव में, प्री हीटेड ओवन में, और उस पर मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर 18 मिनट के लिए, 18 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए चालू कर दिया। ये देख सकते हो आप। अभी आपको 15 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेना है, अगर हो चुका है तो आप निकाल ले सकते हो। मैंने 1.5 मिनट बचा है तब एक बार चेक कर ही लिया, तो मेरा बेक हो चुका है। ऊपर से भी अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ब्राउन कलर चाहिए तो और 1.5 मिनट रख सकते हो। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऊपर से आप देख सकते हो, पूरे नान कटाई जैसे टेक्सचर आया है, परफेक्ट बनी है। अभी ये देखते हैं, इसको मैंने और 5 मिनट मतलब 20 मिनट के लिए रख दिया था, तो ये भी परफेक्टली बेक हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल आसान है, बहुत ही गर्म है, इसलिए मैं उठा के आपको नहीं दिखा सकती पीछे से। थोड़ी ठंडी होने के लिए रख देंगे हम, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने निकाल लिया इधर से भी, बहुत ही गर्म है। अभी ये गरम गरम तो थोड़ी नरम ही लगेगी, बट जब आप इसको ठंडा करेंगे 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद ये क्रंची होगी। तो गरम गरम नहीं आपको ये लेनी है, इसको ठंडा करने के लिए रैक पे रख देना है। अभी ये देखिए, मैं रख दे रही हूँ। बिस्किट्स और नान कटाई और जो टोस्ट खारी हम बनाते हैं ना, तब उसको जब गरम गरम आप तोड़ोगे तो क्रंचीनेस नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको इधर रख दिया है ठंडे होने के लिए। ये देखिए, बहुत ही आसान है। और आप टेक्सचर ऊपर से देख सकते हो, तो पूरा मार्केट जैसी नान कटाई का टेक्सचर आया है, और हेल्दी भी बनी है हमारी नान कटाई, तो ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, ये देखिए अच्छा सा ब्राउन कलर आया है परफेक्टली। ये देखिए, तो आप ट्राई ज़रूर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी हुई। शाम को चाय के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी क्रंची बनी है, और अंदर से भी अच्छे से बेक हो चुकी है, आप देख सकते हो। और खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है, तो ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, एंजॉय।